मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, श्रीराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, श्रीराम एकेडमी ने आपके लिए शुरू कर रखी है वो कैब सीरीज, जो कि आपको हर मंडे और थर्सडे को मिलती है। बच्चों, उसी लेक्चर में आज हमारी क्लास वन है। यहाँ पे बेटा मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से वो कैब नहीं पढ़ाने वाली हूँ। हम देखेंगे कुछ यूनिक तरीके, जैसे कि निमोनिक टेक्निक। अभी निमोनिक टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक के माध्यम से मैं किसी इमेज, किसी वीडियो या फिर किसी भी ट्रिक के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर वर्ड याद करवाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों, ये जो आपकी वो कैब सीरीज है, ये उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है। जैसे कि आपका एयरफोर्स हो गया, आर्मी क्लर्क है, नेवी है, एनडीए है, एसएससी जीडी है, बैंक है, सीडीएस है और जीपीएससी है। तो बच्चों, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। और प्लस आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिख रही है वो क्या है? एक यहाँ पे ग्लास है, एक पारदर्शी गिलास है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, लेंस आपको दिख रहा होगा जिसमें ग्लास लगा है, वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो इसी पारदर्शी को बोलने के लिए मेरे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है? मेरे पास यहाँ पे वर्ड है डायफेनेस। डायफेनेस होता है पारदर्शक। अब यहाँ पे अगर ये सिनोनिम समानार्थी शब्द में पूछा गया, सिनो में पूछा गया, सिनोनिम को मैं सिनो लिख रही हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। तो इस अगर ये सिनोनिम में पूछा गया तो यहाँ पे आपको एक किसी ऑप्शन में मिलेगा ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब भी क्या होता है? पारदर्शक होता है। जैसे कि यहाँ पे एक आप इसका यूज देखिए, जैसे कि बोला गया है ए डायफेनेस डोर, एक दरवाजा, डोर मतलब दरवाजा, वो दरवाजा कैसा है? डायफेनेस है, पारदर्शी है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। इस इमेज से बेटा इस वर्ड को याद करने की आप कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको इमेज दिख रही है हमारी टीम इंडिया, जो कि वर्ल्ड कप जीत चुकी है, चैंपियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, खुशी मना रहे हैं, ये आनंद की अनुभूति हो रही है इनको। तो आनंद मनाना, खुशी मनाना, इसके लिए मेरे पास इंग्लिश में वर्ड है डिस्पोर्ट। तो डिस्पोर्ट इसको इस इमेज से याद रखिएगा। इसका मीनिंग देखिए, अगर डिस्पोर्ट आपको सिनोनिम में पूछा गया तो यहाँ पे आपको किसी न किसी ऑप्शन में मिल सकता है स्माइल, तो ये इसका सिनोनिम वहाँ पे हो जाएगा। इसका यूज़ देखिए, एक वाक्य में मैं आपको इसका यूज़ करके बताती हूँ। तो सेंटेंस है, पीपल डिस्पोर्टेड देमसेल्व्स एट द स्टेज शो, कि पीपल ने, लोगों ने खुद का आनंद लिया, किस में? स्टेज शो में, मतलब स्टेज शो उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत ही उसको इंजॉय किया, ये इसका मीनिंग हो जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें एक बच्चा है जो कि आपका क्या प्ले कर रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, पियानो बजा रहा है यहाँ पे। तो पियानो से क्या है, एक बहुत ही मधुर आवाज़ निकल रही है। तो मधुर ध्वनि, मधुर जो ध्वनि होती है उसके लिए आपके पास जो वर्ड है इंग्लिश का वो है डल्सेट, मतलब आनंद कर। क्योंकि अगर आपकी जो साउंड है वो अगर आपकी प्लीजिंग है, आनंद देने वाली है, तो यहाँ पे मीनिंग हो गया स्वीट साउंडिंग, अच्छी जो मधुर आवाज होती है वो। इसका यूज देख लीजिए वाक्य में, आई थॉट, मैंने सोचा, आई रिकॉग्नाइज्ड, मैंने पहचान लिया है योर डल्सेट टोन, तुम्हारी मधुर आवाज। तो बेटा इस वीडियो से इसको याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको एक वीडियो में दिख रहा है, एक ऐसा बच्चा जिसने मेहनत नहीं की लेकिन फेल, ऑब्वियसली मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन अब ये बहुत दुख मना रहा है कि नहीं, मैंने टाइम पर मेहनत क्यों नहीं की, मैंने अगर टाइम पे मेहनत करता तो सेलेक्ट हो जाता। तो अभी ये क्या है, बहुत ज़्यादा निराश है। अब ये निराश वर्ड को बोलने के लिए आपके पास इंग्लिश में एक वर्ड है डेस्पोडेंसी, जिसका मतलब होता है निराशा। मीनिंग है, इसका सिनोनिम आप मान सकते हैं होपलेस। होपलेस मतलब जिसको कोई उम्मीद नहीं बची हो, निराशा ही निराशा है। और सैड मतलब दुखी। अब इसका एक यूज़ देखिए वाक्य में, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो देखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, टू कम आउट, टू कम आउट मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम डिस्पोडेंसी, निराशा से, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने फादर की डेथ के बाद में उसका निराशा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ये इस वाक्य में बोला गया है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, इसमें देखना सांप की जीभ कैसे ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे एक पर्सन दिख रहा है आपको, तो इसकी ये जो जुबान है वो सांप जैसी है, विषैली है, मतलब ये अपनी जबान से हमेशा कटु शब्द बोलता रहता है, दूसरों की बुराई
बुराई करता रहता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहता है, तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है डायट्राइब। डायट्राइब क्या होता है? निंदा होता है, किसी की बुराई होता है। तो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है ए बिटर। ए बिटर मतलब क्या होता है? कड़वाहट। बिटर मतलब क्या? कड़वाहट। और निंदा तो कड़वी होती है, मीठी तो होती नहीं है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है निंदा, सेम इसका मीनिंग है बेटा। बिटर का लिखना चाहें तो लिख लेना, क्या है? कड़वाहट। इन स्पीकिंग, यहाँ पे स्पीक एस पी ई ए की स्पेलिंग सही कीजिए। इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने में या लिखने में जो कड़वाहट होती है उसी को क्या कहा जाता है? डायट्राइब कहा जाता है। यूज देखिएगा, लॉन्च ए डायट्राइब अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि अब हम गवर्नमेंट की निंदा को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। अब हम गवर्नमेंट अगर अच्छा काम नहीं करेगी लोगों के लिए तो उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? बहुत से लोगों का कोई फेवरेट एक्टर होगा या सलमान खान, जिस पर ब्लैक बक का केस था कि उन्होंने हिरन को मार दिया था और केस चला था इन पर। लेकिन उस केस में क्या रिजल्ट निकला? वर्डिक्ट क्या निकला? इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, निर्दोष सिद्ध कर दिया गया। तो निर्दोष सिद्ध करना, इसके लिए जो मेरे पास वर्ड है वो है इंग्लिश में एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट मतलब निर्दोष सिद्ध करना। मीनिंग देखना, प्रूव गिल्टी लेस। गिल्टी लेस भी क्या होता है? निर्दोष होता है। तो उसको प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। और इसका यूज देखो एक वाक्य में, द सुप्रीम कोर्ट एक्सकल्पेटेड संजय दत्त फ्रॉम टाडा केस। तो संजय दत्त के बारे में भी आप जानते हैं, ये भी हमारी बॉलीवुड के जाने माने हीरो हैं। तो इन पे टाडा केस लगा था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या किया? एक्सकल्पेट कर दिया, निर्दोष सिद्ध कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड को देखिए, पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है कि एक पर्सन है जिस पर बहुत सारा वेट डाल दिया गया है और अब एंड में तो देखना कर्ज ही कर दिया उनको, बिल्कुल दबा ही दिया है। तो ये क्या है? भार ग्रसित हो गए हैं। भार ग्रसित के लिए जो मेरे पास इंग्लिश में वर्ड है वो है एक्सकम्बर। एक्सकम्बर, तो बचा इस वीडियो को ध्यान में रखकर इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सकम्बर क्या होता है? भारग्रस्त होता है। इसका मीनिंग सिनोनिम मैंने दिया है क्या? टू बिकम बर्डन, किसी पर क्या बन जाना? बोझ बन जाना, बर्डन बन जाना। यूजेस देखना, ट्रैवलिंग इज डिफिकल्ट, जो यात्रा करना है वो मुश्किल है। When you are encumbered with heavy suitcase, कि अगर आप heavy suitcase, बहुत भारी भारी आपने suitcase बड़े बड़े लाद लिए हैं, तो जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? मुश्किल दय हो जाएगी। आरामदायक तो रहेगी नहीं, इतने suitcase कहाँ ले जाके घूमोगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आप देखिएगा, इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में क्या है? एक गर्ल है जो चीयर कर रही है अपनी किसी टीम को, उसकी क्या कर रही है? प्रेज कर रही है। तो प्रेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए मेरे पास जो इंग्लिश में वर्ड है वो क्या है? एक्सटोल है बेटा। बहुत बार ये सिनोनिम या एंटोनिम में पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। मीनिंग क्या है? टू प्रेज हाईली। हाईली मतलब बहुत अत्यधिक किसी की प्रशंसा करना। एक वाक्य में इसका यूज भी देख लो, ही वॉज एक्सटोल्ड, उसको उसकी प्रशंसा की गई थी एज ए हीरो, एक हीरो के रूप में। तो नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखेंगे हम। पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसको देखिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है, जिसके अंदर से रोशनी निकल रही है वो दीप्तमान हो रहा है। तो इसी तरह रोशनी फैलाने के लिए, शाइन करने के लिए जो मेरे पास इंग्लिश में वर्ड है वो क्या है? इफिलगंट है। इफिलगंट मतलब क्या होता है? दीप्तिमान, मतलब प्रकाश में। इसका सिनोनिम मैंने दिया है क्या? शाइनिंग ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली होता है बहुत ही शानदार तरीके से क्या करना? शाइन करना, मतलब चमकना। तो शाइन का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है बेटा, ये भी लिख लीजिए, क्या है? चमकना। नेक्स्ट इसका यूज देखिए, द इफिलगेंट ब्यूटी, मतलब ऐसे ब्यूटी जो क्या है? दूर से ही चमकती हो, उसके लिए बोला गया है इफिलगेंट ब्यूटी। नेक्स्ट आपका इस लेक्चर वन का जो आपका लास्ट वर्ड मीनिंग है उसे देखिए। पहले आपकी जो आपका जो स्क्रीन है उस पर जो वीडियो दिख रही है वो क्या है? वो आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारा। तो बच्चों आप सबको पता है, टूटता हुआ तारा देखते हैं हम, विश मांगते हैं ना, कोई प्रे करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए।
मिलता तो कुछ नहीं है, मिलता तो आपको अपने हार्डवर्क से ही है, बट फिर भी ठीक है, हमारी किसी न किसी चीज़ में आस्था होती है। तो ये है आपका शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा। कितनी देर के लिए रहता है? बहुत ही कम टाइम के लिए, क्षणिक, बहुत ही सेकंड्स के लिए रहता है। तो ये क्षणिक, कम समय, शॉर्ट लिव्ड, ये बोलने के लिए जो मेरे पास इंग्लिश में वर्ड है वो है एफीमिरल, अल्पकालिक। अल्पकालिक, अल्प मतलब होता है कम और कालिक मतलब समय, कम समय के लिए जो चीज़ होती है उसे क्या बोला जाता है? एफीमिरल बोला जाता है। तो मीनिंग है बेटा शॉर्ट लिव्ड, और इसका यूज़ भी देख लीजिए, एफीमिरल मॉस्किटोज। एफीमिरल मॉस्किटो मतलब कम समय के लिए रहने वाले जो मच्छर होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के दौरान। तो बच्चों आई होप ये आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये 10 के 10 जो वोकैब मैंने आज आपको पढ़ाई है ये आपको लर्न हो गई होंगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, योर लाइक गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले नए वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए, और इसे अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे और लोग भी इस वीडियो सीरीज़ का लाभ उठा पाएँ। बच्चों आप अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।